नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मैं डलुगला दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं ताज सूडो में हमारे झाझा के मुकेश जी और नरगंजो की धरती का लाल ने जाके दिल्ली में पाकिस्तान को हरा कर सिल्वर मेडल जीत कर झाझा की धरती को सुशोभित किया है। हमारी पूरी चैनल, पूरी टीम इनको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया देती है, बधाई देती है। इसी तरह ये झाझा की धरती का नाम रोशन करता रहे, जम्मू जिला का नाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में रोशन करता रहे। मैं बात करना चाहूंगा मुकेश जी से और इनके कोच हैं, इनके दो हमारे साथ विनर हैं, इन्हीं से बताइए। मैं मुकेश कुमार, 10th इंटरनेशनल टैंक सूडो चैंपियनशिप कश्यप पदक जीत के आया हूँ। हमारा पहला राउंड अफगानिस्तान के साथ था, दूसरा राउंड पाकिस्तान के साथ। मैंने दूसरा राउंड हार गया, जिसके कारण हमें एक पॉइंट से गोल से चूक गए हम, नहीं तो गोल्ड लेके आते अगली बार। चलिए अगली बार आप बताइए। मेरा नाम क्लेमन मरंडी है, मैं टैंक शूटर चैंपियनशिप में भाग लिया। जहाँ तक मैं कोशिश किया था कि मेडल प्राप्त करने के लिए, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि मैं ऐसे भी स्टेट में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं थोड़ा मेहनत की या कुछ कमी हो गई, तो इसके लिए माफ़ी। फिर भी आपने झाझा की धरती का नाम रोशन किया है। फिर भी आप हमारे साथ कोच हैं, मैं उनसे बिना कोच का दर्शकों कोई भी काम नहीं पाता है। सबसे पहले आपको बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से, बताइए जरा। सर मैं बिहार का सचिव बोल रहा हूँ, टैंक शूटर एसोसिएशन ऑफ बिहार के, और मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे दो बंदे थे जिन्होंने एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज लाए हैं 10th इंटरनेशनल टैंक शूटर चैंपियनशिप में, और इन्होंने अगले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी इन लोगों की पार्टिसिपेशन लगभग कन्फर्म हो गई, कन्फर्म हो रही है। अभी कन्फर्म अगले नेशनल होने के बाद ये होगी। मैं सोच रहा हूँ कि झाझा के वासी लोग से मेरी दरख्वास्त है कि आगे के लिए भी अच्छे। मुकेश जी के पिता श्री जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपका बेटा ने इस मुकाम को हासिल किया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। देखिए ऐसा पल होता है दर्शकों, गला भर आता है, ये बहुत ही गर्व की बात है। मुझे भी बहुत फख्र हो रहा है, क्योंकि मैं भी झाझा का, मेरा नेटिव प्लेस झाझा है, मैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हूँ, लेकिन झाझा से मेरा बहुत ही लगाव है। मैं बात करना चाहूँगा नवयुवक संघ के बहुत ही युवा, बहुत ही स्मार्ट का अध्यक्ष, हाँ बताइए। बिल्कुल, मैं सबसे प्रथम दोनों प्रतिभागियों को धन्यवाद करता हूँ, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और आज इन्होंने झाझा की धरती पर जो मेडल लाया है वो हमें काफी गर्वान्वित महसूस करता है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारा झाझा इज द बेस्ट, जम्मू इज द बेस्ट, और पूरा हिंदुस्तान इज द बेस्ट। बोलो एक प्रेम से भारत माता की जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। खिलाड़ी हमारे झाझा में है, मैं तहे दिल से इन दोनों को धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ टफ कोन के सीएन है विशाल जी जुड़े, मैं उन्हीं से जानूंगा। कैसा लग रहा है आपको विशाल जी? मुझे तो बहुत ही खुशी हो रहा है। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुकेश यादव जी जो आज सिल्वर जीत के आए हैं 10वां इंटरनेशनल खेल के पाकिस्तान को हरा के, और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मुकेश जी मेरे छोटे भाई, साथ में हमारे वार्ड के, अपने वार्ड के ये मुकेश जी हैं, और हमको ज्यादा ही खुशी हो रहा है, क्योंकि मुकेश जी के साथ साथ हमारा वार्ड, हमारा झाझा, जम्मू, बिहार और भारत, ये सब देख रहे हैं कि एक छोटा सा जगह का, एक छोटा सा गांव का प्रतिभागी वहां तक पहुंच के जो परचम लड़ाया है, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। एक स्टील लेना।